छोटा सा प्रयास संगम क्षेत्र के लिए किया जा रहा है। प्रयागराज शहर के युवा लोगों की सहभागिता भी हो रही है। आज दारागंज शमशान घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। जय त्रिवेणी जय प्रयाग सेवा समिति प्रयागराज के माध्यम से यह अभियान हर रविवार को शाम 5:30 बजे चलाया जाता है। स्वच्छता अभियान प्रभारी सचिन निषाद सह प्रभारी आनंद पाल के दिशा निर्देश पर इस अभियान को सफलता भी मिल रही है। स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ सौरभ शर्मा, आनंद निषाद, उत्सव पाठक अवधेश शर्मा, बासु पांडे, आशुतोष पाठक, वैभव अग्रवाल, विशाल एवं अन्य सदस्यगण को। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रफीक खान की खास रिपोर्ट। जय त्रिवेणी जय प्रयाग। आज हम लोग रविवार तीसरा हफ्ता है जो कि समिति के माध्यम से प्रयागराज क्षेत्र में हम लोग सफाई अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में तीसरे हफ्ते रविवार को आज यहाँ पर संगम क्षेत्र में शमशान घाट है जो कि यहाँ पर काफ़ी गंदगी फैली रहती है। आज हम लोगों ने इसी में सफाई किया और हमें इसमें सहयोग मेला प्राधिकरण का अच्छा मिल रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गंदगी फैली हुई है। काफ़ी गंदगी उठा चुके हैं हम लोग और प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों का सहयोग पर्याप्त रहे माँ त्रिवेणी से यही कामना है। जय त्रिवेणी जय प्रयाग। हमारे साथ जो है यहाँ पर तारागंज के निवासी और हमारे जय त्रिवेणी जय प्रयाग के बहुत ही कर्मठ जो है कार्यकर्ता जो है आनंद निषाद जी हैं और यहाँ पर राजकुमार जी हैं जो कि हमेशा यहाँ पर हेल्प करते रहते हैं हम लोगों को शमशान घाट पे। आप लोगों से हम ये पूछना चाहेंगे क्या यहाँ पर नित्य साफ सफाई होती रहती है कि कोई जो है दिक्कत है यहाँ पर? नहीं, सफाई तो बराबर यहाँ नहीं होता है। आज आपके माध्यम से पहली बार यहाँ पे इस तरह का कार्य हुआ है जी, जी। और भविष्य में आशा करते हैं कि त्रिवेणी आरती परिवार इसी तरह से लगे रहे, जो हम लोगों का भी सहयोग होगा। हम लोग भी समिति के लिए पूरा सहयोग और योगदान तन मन धन से लगे हुए हैं कि माँ गंगा का तट जो है साफ सुथरा रहे। जैसे कि बाहर से लोग आए यहाँ पे तो एक अलग कुमार जी, आप यहाँ पे जो है व्यवसायिक भी हैं और यहाँ पर प्रबंधक कमेटी में भी हैं, तो यहाँ पर आपको मूल दिक्कत क्या है? यहाँ पर क्या मूल सुविधाएं सरकार की तरफ से अभी आप लोगों को नहीं मिल रही हैं? मूल दिक्कत क्या है? साफ सफाई टेढ़ी हुई है जी। और पानी पीने का यहाँ साधन नहीं। अच्छा, एक पेयजल लगना चाहिए जी। काफ़ी लोग आते हैं, मानिए कहाँ जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जितनी भी दुकानें यहाँ पर पाउच वाले पन्नी बिक रहे हैं और वो लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं वो सीधे नदी में जाती है, तो स्वाभाविक है कि नदी के लिए तो काफ़ी जो है दिक्कत होगा। गंगा प्रदूषण फैल रहा है तो ये तो है ही है, ये तो नहीं होना चाहिए। माँ गंगा को हम लोग स्वच्छ रखना चाहते हैं। चलिए हम लोग प्रयास करते हैं, जय त्रिवेणी जय प्रयाग पूरा प्रयास करेगा कि यहाँ पर संगम क्षेत्र में जो ये शमशान घाट इसका गौरव जो है बरकरार रहे। इसके लिए हम लोग जितना हो सकेगा संघर्ष करके यहाँ पर मूल व्यवस्थाओं की व्यवस्था देंगे। जैसे बारिश होने लगती है, बाड़ी जलने लगती है जी। मैंने हमने कहा ना कि हम लोग सब देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये टीन सेट यहाँ पर संजय कुमार जी ने लगवाया था जो लगा हुआ, जो कि इसमें टीन नहीं है। अगर यहाँ पर वो टीन इसके ऊपर लग जाता है तो जो भी कभी अगर यहाँ बरसात होती है तो यहाँ पर जो है बॉडी को हिट किया जा सकता है, दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर लोग बैठ सकते हैं, धूप हो जाएगा लोग बैठ सकते हैं, मगर सरकारी योजनाएँ जो हैं बहुत धीरे तरीके से चल रही हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर शमशान घाट मोक्ष धाम है, आप लोग सबको यहाँ पर आना है, इसलिए यहाँ की व्यवस्था के लिए सभी कोई विशेष ध्यान दें। जय त्रिवेणी जय प्रयाग।